नमस्कार, मैं उमेश चारण फ्रॉम लाडनू नागौर जिले का रहने वाला हूं। शायद आप काफी लोगों से परिचित भी हैं। सात बार एक बहुत बड़े फैसले के साथ मैं आपके सामने आया हूं। मुझे लाइव आने का बहुत कम शौक है, बहुत कम आता हूं। आप देखते होंगे शायद, लाइक कमेंट तो कर देता हूं, बाकी मुझे ये पोस्टें वोस्टें डालने का ज्यादा शौक नहीं है। बट आज जो एक लाइव आने का कारण है, बहुत बड़ा कारण था और ये चीज आपको सबको अवगत करानी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। सो इसलिए मैं आज लाइव आ रहा हूं। साथियों, आज से 7 महीने पहले जुलाई 2019 में मैंने एक बहुत ही शानदार जो भी बवाल चल रहा है मार्केट में ओके लाइफ के नाम से, उस कंपनी को ज्वाइन मैंने किया था। उससे पहले साथियों मेरा बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म था मोदीकेयर में, और लगभग 7 महीने मैंने मोदीकेयर किया। और मोदीकेयर में भी मैंने मात्र सात महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल लिया था। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें पोटैटो एचयू भी मैंने किया था। उसी बीच दरमियान मेरे सामने एक माइंड वॉश करने वाली, आई वॉश करने वाली कंपनी आ गई थी, जिसका नाम है, आप सब लोग जानते हैं, ओके लाइफ केयर। शायद मैं नहीं समझता कि यह किसी की लाइफ ओके होने वाली है। जो 7 महीने में मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ के जो उसका अध्ययन किया है, उसे मुझे ये लगा, वही चीजें मैं आपको बताने के लिए लाइव आया हूं। ऐसा क्या कारण है, अब 7 महीने की जर्नी में आपको बता दूं। पिछले 7 महीने में ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करते हुए आज तक मैं राजस्थान का पहला हाउस फंड एचीवर हूं। मैंने राजस्थान में सबसे पहले हाउस फंड एचीव मैंने किया है। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोविंद सिंह के बाद आज वो भी हाउस फंड एचीवर नहीं है जो मेरे अपलाइन है, बट मैंने किया। और लगभग 7 महीने में मेरे 6,500 से 7,000 लोगों की टीम है, इतनी टीम मैंने बनाई है, और बहुत ही शानदार हम काम कर रहे थे। लेकिन काम करते करते बीच में ये दिक्कतें आई कुछ, मतलब जो चीज हम सोच के आए थे कि भाई हम ओके लाइफ केयर का जो प्लान हमने देखा था, जो इनके वादे हमने देखे थे, जो इन्होंने प्रोफाइल बताई थी, कुछ चीजें बताई थी, उन देख को हम जब इस कंपनी में आए और जब कंपनी में धीरे धीरे हमने रन किया, 7 महीने का हमारा अनुभव हुआ, यूं समझ लो हम पैदा ही हुए थे, लेकिन 7 महीने की जो भागदौड़ थी, इसमें हमने जो अध्ययन किया, उसमें हमें लगा कि जो चीजें बताई गई है वो लगभग फेक है। और फेक के साथ काम करना अपने आप को एक खड्डे में डालने के समान होता है, और वहां मुझे लगा नहीं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो मैं आज एक बहुत ही इस होली की पूर्व संध्या में बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं, जो एक मरणों समान है, मरने के बराबर है, और मैं ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूं। शायद आप सब साथियों के मन में ये क्वेश्चन आएंगे कि राजस्थान का पहला हाउस फंड एचीवर, जिसका मेरा पिछले महीने का जो भी पेआउट आया है 74,000 रुपए का है, इतने बड़ा चेक आने के बाद मैं क्यों क्यूट करूं। आप सबके मन में ये ख्याल आए होंगे, तो इसके क्यूट करने के कुछ कारण है, कुछ राज है, जो आपको शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्ट एबिलिटी की। कंपनी में आए, कंपनी ने कुछ जो प्रोडक्ट दिखाए हमें कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आप हमेशा ले, तो हमने देखा है कि जैसे भी कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट भी कंपनी में शॉर्ट हो गया, जैसे कंपनी में पेस्ट था, हम आए 1-2 महीने हमें पेस्ट मिला, अगले 4 से 5 महीने तक कोई पेस्ट नहीं था। महीने में 30 दिन की जो कंटिन्यू बिलिंग होती है, उसमें कभी राइस ब्रांड है कभी नहीं है, मतलब एफएमसी के जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी ने बोला कि हम प्राइस पे वार कर रहे हैं, कंपनी ने प्राइस पे वार जरूर किया, रेटें कम की, प्रोडक्ट उतारे, बट वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। काम करना है तो आपको मातर न्यूट्रिशन पे करें, आपको जो जिस रेटों पे हमको काम करना था, जिस प्रोडक्ट पे हमें काम करना था, वो प्रोडक्ट हमें कंटिन्यूटी मिले नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफर की। कंपनी ने कभी जो भी 10% का ऑफर निकाला है, मैंने खुद ने 5500 रुपए की वो बिलिंग कराई थी जिसपे हार्ड ड्यूल मिलना था, आज तक तो मुझे नहीं मिला। कुछ दिन पहले एक शिकर की एक दीदी ने एक वीडियो भी डाला था, जो सबसे बड़ा बवाल हुआ था, बलक बाइंग। हमारी कंपनी बोलती है बलक बाइंग नहीं होती, लेकिन मेरी नजर में जो मेरा अनुभव है उसको देखते हुए, अगर सबसे ज्यादा कहीं भी बलक बाइंग होती है तो है उसका नाम है ओके लाइफ केयर। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ओके लाइफ केयर का बिजनेस 28-29-30 तारीख को 70% क्यों बढ़ता है, बाकी कंपनी का तो नहीं। मैं मोदी केयर में था, 15 तारीख से पहले लॉयल्टी कंप्लीट, और 15 से लेकर 22 तक जो न्यू ज्वाइनिंग आते हैं, जिनको ऑफर मिलते हैं वो आते हैं, और लास्ट में जिसको लेवल में या कुछ करना है तो 5-7% लोग होते हैं जो बल्क बाइंग करते हैं और अपना अचीवमेंट भी लेते हैं, फिर करना पड़ता है। मतलब ऐसा मत बोलो कि हम बल्क बाइंग नहीं करते हैं, बल्क बाइंग रुक करनी पड़ती है नॉर्मली, तभी उसका जो लेवल है उसको अचीव करने में उसको सहायता मिलती है।
उसके बाद हम देखें बलक भाई का आ गया, और बलक भाई में वो दीदी का तो बहुत छोटा लेवल था, उसका तो 2.5 लाख का मीटर था। साथियों मैंने लगभग मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोविंद सिंह जी बारट और दिनेश जी खंडेलवाल, इनके कहने पर कम से कम 6 से 7 लाख की तो बल्क बैंक मैंने खुद ने कर रखी है अपनी टीम के, हालांकि मेरे पर्सनल नहीं हुई, मैंने मेरी पूरी टीम को उठाने के लिए, मेरी पूरी टीम के लेवल अचीव करवाने के लिए मैंने मात्र 6 महीने में 6 से 7 लाख रूपये के दोस्तों बल्क बैंक मैंने खुद ने किए। और करने का कारण आपको पता है, ऊपर जो हमारे महानाका बैठे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन गोविंद जी सर, जिनका भी पोस्ट हो रहा है कि 1,13,000 का चेक है, खंडेलवाल जी का चेक देखो आप 5-5, 6-6 लाख रूपये का, हम बैठे ना सर, हम कर देगा, आप टेंशन भरी रहो, आप तो टीम का ख्याल रखें, टीम नहीं बननी चाहिए। और वो टीम जब मैंने 6 महीने तक बल्क बाइंग करा के सबके पूरे टारगेट कराए, 7वें महीने अपना हाथ खींचा, तो जिन लोगों ने मैंने टारगेट कराए थे उनमें से 7 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने तो अपने टारगेट अचीव किए, 50-50 मैच किया, बाकी 7 में से 5 लोग गाइड, वो 7वें महीने नहीं कर पाए। मुझे उस टाइम बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये बहुत गलत फैसला ले लिया था बल्क बाइंग करने का, और वो करवाने का कारण आपको पता है ही, ग्रेट अपलाइन बैठे थे, आप बैठे, आप क्यों टेंशन लेते हो, हम बैठे हैं ना। जब आया कि भाई डीपी वाले को सामान का पैसा देना है, उसका सामान उठाना है, तो साहब उनका फोन तो 28-29-30 को आ सकता है, बाकी ना फोन उठाते हैं ना जवाब देते हैं, उनको जब जरूरत हो तो पुकार लेते हैं। तो ऐसा करके मैं ओके लाइव के कुछ कारण थे क्यूट करने के जो शेयर कर रहा हूं, कि अभी हम ओके लाइव केयर में काम कर रहे हैं। शायद आप सबको पता होगा कि अभी एक ओके लाइव केयर ने एक नई कंपनी और बना दी है, ओके लाइव केयर बीट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अभी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके एमडी थे मिस्टर जोगिंदर सिंह जी दलाल और सुमित्रा जी कड़वासरा। लेकिन वहां जाके मैंने देखा तो वहां सर डीके सर और नरवाल साहब उसके एमडी हैं, तो ये चीज भी मुझे अनसेफ फील हो रही है कि ये ऐसा क्या हो गया, 3 साल में क्या हो गया ऐसा, कि जिस कंपनी प्रोफाइल के साथ हम जुड़े थे ओके लाइव के लिए जोगिंदर सिंह जी के साथ, आज वो एमडी कंपनी से गायब क्यों है। और सुनने में आया था कि ये जो ओके लाइव केयर बीट है तो उसमें एजुकेशन प्लान चलेगा, बट जब मैंने इसका बैकग्राउंड जाके इसका गवर्नमेंट साइड पे अध्ययन किया तो उसमें वो ब्रोकरेज वाला ही है, ट्रेडिशनल मार्केट का ही है कि हम माल बेचेंगे परचेज करेंगे, वो दलाली का जो होता है पैकेज वैसा है, तो वो एजुकेशन प्लान तो नहीं है। दूसरे मैं बात करूं, आप सबको पता है कि ये जो प्लान बना है एक नेटवर्क के लिए बना है, और वो नेटवर्क होंगे ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं। अब जैसे मैंने अभी पिछले महीने लगभग 5 लाख व्यू का धंधा दिया था मेरे से दाऊ मेरी टीम ने, और 5 लाख व्यू पे मैं मात्र 74,000 रूपये कमाने वाला एक बंदा हूं, और मेरी एक टीम में है जो मात्र 15 से 18,000 रूपये कमा रही, एक लीडर्स और है जो 12 से 15,000 कमा रहे, बाकी अंडर सब 5,000 है। तो टोटल इनकम में मानू तो हम सब मिलकर अगर 15 लाख 5 लाख व्यू का मतलब अपन मान लेते हैं ओके में, कि 15 लाख से 20 लाख का धंधा हुआ है, और 20 लाख के धंधे में अगर हम 1.5 से 2 लाख रूपये कमाएं तो सीधा सीधा एक इफेक्ट जाता है बीवी पे, लीडर्स को पैसा आएगा भाई साहब बीवी पे, आप सब समझदार है, बीवी होगी। आज तक तो मैंने जितनी कंपनियां रन की है, देखा है, अध्ययन किया है, सब में 50 से 60% के लगभग बिजनेस वॉल्यूम आते हैं, सिर्फ एफएमसी को छोड़ सकते हैं आप, बाकी एफएमसी के अलावा तो अभी जो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट हेल्थ के उतारे उनमें 40% बीवी हेल्थ पे, तो साहब 60% दो ना, 70% दो ना, कहां दिक्कत आ रही है। 100 रूपये का पैकेट आता है जिसके रेट 500 रूपये रखते हो आप लोग, इतना देर तो हमने किया है, बीवी बहुत मारा है इन्होंने, और बीवी का बगैर हमें पैसा आएगा नहीं। सेल परचेज के लिए कोई बंदा आता है, अपनी सेल परचेज करता है 5,000-10,000 रूपये की, तो उसको क्या मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता। तो इन सारी चीजों को मैं ध्यान रखते हुए मैं ट्वीट कर रहा हूं, और कोई बात नहीं, होली के 2 दिन बाद हम सब दोस्तों मिलते हैं एक अच्छे रिसर्च के साथ। मैं सिर्फ आपसे एक ही आशा करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप बवाल पे माहौल पे ना जाएं, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की रिसर्च करें, पूरा उसके तहत तक जाके एक अच्छे कॉन्सेप्ट में जाके अपना डायरेक्ट सेलिंग का भाग्य आजमाएं। ऐसा नहीं कि आज मैं 7 महीने का जो मैंने प्रयास किया है और बड़ी टीम बनाई है, पेआउट भी मैंने लिया, अचीवमेंट भी लिए, आज उसको फिर मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो हम बार बार अगर इन चीजों को छोड़ेंगे कब तक छोड़ेंगे, कब तक करेंगे। सो हमेशा आप अपना फैसला सोच समझ के ध्यान रख के ले, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एबिलिटी, और सबसे बड़ी बात मैं और बोलूंगा, एक जब भी कभी भी किसी अपलाइन का हाथ पकड़ो तो अपलाइन के बारे में पहले ध्यान कर लेना, कंपनी से पहले, कहीं मुझे जो अपलाइन मिले मिस्टर गोविंद सिंह जी बारट और दिनेश सिंह खंडेलवाल, ऐसे अपलाइन का अगर आपने सारा पकड़ लिया तो मैं लिख के देता हूं गारंटी के साथ, आपको भी मेरी तरह क्यूट करना पड़ेगा। सो धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे।